बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खवातीन हजरात, 27 फरवरी के बाद से भारतीय फिजाइया और खसूसन मोदी सरकार बुरी तरह बुखलाहट का शिकार है और ऐसी ऐसी बेहुदा हरकतें कर रही है कि जिसे सुनकर हंसी आ जाए। लेकिन जो कारनामा भारतीय वज़ीर दिफा ने फ्रांस में राफेल तैयारा लेते हुए किया और उस पर फ्रांसीसियों का रिएक्शन आपके लिए काबिल तवज्जो होगा। खवातीन हजरात, आप देख रहे हैं खोजी की दुनिया और मुझे जैन कहते हैं। आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताना जरूरी समझते हैं कि हमारे इस चैनल का मकसद सोशल मीडिया पर पाक फौज के खिलाफ होने वाले प्रोपेगेंडे का दिफा करना है। अगर आप भी हमारे साथ देना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा भी लगा दीजिए। खवातीन हजरात, मोदी सरकार अपनी ऊटपटांग हरकतों की वजह से वैसे ही मशहूर है, लेकिन फ्रांस में मोदी सरकार ने राफेल तैयारे हासिल करते हुए जो हरकतें की हैं वो पूरी दुनिया में भारत की जगहंसाई का बायस बन रही हैं। खवातीन हजरात, जैसे कि हम जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स में भी पाक फिजाइया की तरह जदीद ममालिक से खरीदे गए मुख्तलिफ तैयारे मौजूद हैं, जिनमें जैगवार, मेराज 2000, सुखोई 30, मिग 21 और मिग 27 वगैरह शामिल हैं। भारतीय वज़ीर दिफा फ्रांस पहुंचे और 36 राफेल में से पहले राफेल की डिलीवरी हासिल की। आपको याद होगा कि सन 2012 में जब इंडिया में कांग्रेस की हुकूमत थी तो वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने फ्रांस से 126 राफेल खरीदने का सौदा किया था। इनमें से बाज फ्रांस में बनाए जाने थे, जबकि एक बड़ी तादाद इंडिया यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में प्रोड्यूस करने का मशहूर मुआहदा किया गया था। लेकिन अगले साल जब मोदी वज़ीर आज़म मुंतखब हुए तो उन्होंने 2015 में ये डील मनसूख कर दी। इल्ज़ाम लगाया गया कि तमाम वज़रा और एयरफोर्स के सीनियर अफसरों ने इस डील में अरबों रुपए की रिश्वत ली। खवातीन हजरात, ये बात याद रखिएगा कि जब कोई तरक्की पजीर मुल्क किसी तरक्की याफ्ता मुल्क से भारी हथियारों का सौदा करता है तो रिश्वत जरूर लेता है। इस रिश्वत को ग्लोबल कारोबारी इस्तेलाह में कमीशन कहा जाता है। बाज तरक्की पजीर ममालिक ये कमीशन लेकर अपनी सरकार के खजाने में जमा करवा देते हैं, जबकि बाज खुद अपने खजाने भरने को तरजीह देते हैं, जैसा कि नवाज शरीफ और जरदारी करते आए हैं। इंडिया में भी ये रवश आम है और वज़ीर आज़म तक इसमें मुलव्वस पाए गए हैं। इस केस की तफसील मीडिया पर आती रही हैं और आप लोग इससे खूब वाकिफ हैं, क्योंकि हम इससे पहले भी आपको इसके बारे में आगाह करते रहे हैं। खवातीन हजरात, 126 अदद राफेल तैयारों की खरीदारी में भी इस कमीशन की अफवाहें आम थी, इसलिए मोदी ने यह सौदा तो मनसूख कर दिया, लेकिन जब इन तैयारों का बदल ढूंढा गया तो मालूम हुआ कि यही बिदत नए सौदों में भी फॉलो करना पड़ेगी। कमीशन जमा करवाने का चलन एशियाई मुल्कों में शाज शाज ही देखने में आता है। मोदी को अपने सिख सरदार साहिबान की तरह फिर फ्रांस का रुख करना पड़ा, लेकिन इस बार 126 के बजाय सिर्फ 36 राफेल खरीदने का मुआहदा किया गया और अपनी आदत के बरहलाफ मोदी ने मेड इन इंडिया की बजाय इन राफेल को मेड इन फ्रांस ही की जेल में रखा। ये 36 राफेल 2022 के आहर में दिए जाने थे, जिनकी 4 तैयारों पर मुश्तमिल खेप मई 2020 में ड्यू थी। ताहम इंडिया ने फ्रांस से दरख्वास्त की कि उनकी डिलीवरी में ताहीर ना की जाए। फ्रांस की वो तैयार साज कंपनी जो ये राफेल बनाती है उसके पास दूसरे ममालिक के ऑर्डर्स भी लाइन में लगे हुए थे, इसलिए वो कंपनी फिलहाल सिर्फ एक राफेल देने पर तैयार हुई। मोदी ने अपने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को फ्रांस बगाया कि जाओ और पहला राफेल लेकर आओ, ताकि अगर पाकिस्तान की तरफ से 27 फरवरी का सानहा पेश आ गया तो भारत दुनिया को क्या मुंह दिखाएगा। खवातीन हजरात, 27 फरवरी को पाक फिजाई ने JF-17 की मदद से इंडिया का सुखोई 30 और मिग 21 मार गिराया था। पायलट को भी गिरफ्तार कर लिया गया था और अगले रोज वापस इंडिया भेजकर अपनी फ्याजी की दाग बिठा दी थी। और उसी रोज इंडिया ने अपने दोस्ताना फायर से अपना ही एक रशियन हेलीकॉप्टर मार गिराया था, जिसका सारा अमला हलाक हो गया था और इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया गया था। वो तो अच्छा हुआ कि 7 माह की इंक्वायरी के बाद पता चला कि इंडियन ग्राउंड रडार की गलती से भारतीय फिजाई के ग्राउंड क्रू ने ये कारनामा अंजाम दिया। खवातीन हजरात, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। इस पहले राफेल की सुपुर्दगी का जो अहवाल इंडियन मीडिया और फ्रेंच मीडिया में हुआ है वो काफी दिलचस्प है। कहा गया है कि 7 अक्टूबर को वजीर दिफा राजनाथ सिंह फ्रांस पहुंचे। जो कारखाना यह राफेल तैयार बनाता है उसका नाम डिसाल्ट एविएशन है। नक्शे पर देखें तो यह फैक्ट्री बोर्डो नामी शहर में वाके है, जो फ्रांस के जनूब मगरिब में एक बहुत मारूफ सनती शहर है और तैयारों की प्रोडक्शन के हवाले से अमेरिका के बोइंग और F-16 बनाने वाले शहरों का हम पल्ला है। मोदी ने सितंबर 2016 में 36 राफेल का जो मुआहदा किया उसकी लागत 59,000 करोड़ भारतीय रुपए थी, यानी ये तकरीबन 9.4 बिलियन डॉलर बनती है। 4 तैयारों का पहला दस्ता मई 2020 में ड्यू था, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि मोदी ने यह सोचा कि अगर 27 फरवरी की तरह का
कोई दूसरा साना फिर दोहराया गया तो उसकी हफत अनमिट होगी। चनाचे इस डिलीवरी को एमरजेंसी बिनादू पर अरेंज किया गया। हवातिन हजरात, 8 अक्टूबर इंडियन एयरफोर्स की सालगिरह का दिन भी है। चनाचे इस पवित्र दिन को भारत ने फ्रांस में बड़ी शान से मनाया। ये दिन हिंदुस्तान भर में दशहरा मनाने का दिन था। रामायण और महाभारत में लिखा है कि राजा रामचंद्र जी जब 14 साल का बिन बांस काटकर और लंका में राजा रावण पर फतह हासिल करने के बाद वापस राजधानी पहुंचे थे तो अहले हिंद ने लंका के राजा रावण पर फतह पाने की खुशी में जो तकरीब मनाई थी उसे दशहरा कहा जाता है। लेकिन जब डिसॉल्ट एविएशन के आला ऑफिसर अपने राफेल की डिलीवरी देने के लिए मुकर्रर करदा एयरफील्ड पर जमा हुए तो देखा कि राजनाथ सिंह को तैयारों के अकबी काकपेट में बिठाकर बेल्ट उसे कसा जा रहा है और पायलट हेलमेट भी जेब सर किया जा रहा है। थोड़ी ही देर बाद राफेल राजनाथ सिंह को लेकर फिजा में बुलंद हुआ और आवाज से तेज रफ्तार से क्लाबाजियां वगैरह लगाने लगा। इसे डिसॉल्ट फैक्ट्री का टेस्ट पायलट उड़ा रहा था। त्यारा साज और त्यारा फ्रोश कंपनियां अपने यहाँ इस तरह के माहरीन तजुर्बाकार पायलटों को तैयार रखती है ताकि हरीदारों को फांसा जा सके। चनाचे जब वजीर दिफा ने वापस लैंड किया तो मीडिया के सामने जो बयान दिया वो ये था कि हमारी एयरफोर्स दुनिया की चौथी बड़ी एयरफोर्स है अमरीका, रूस और चीन के बाद, और मुझे यकीन है कि सर्विस को ये मीडियम मल्टी रोल कम्बैट एयरक्राफ्ट मजीद ताकतवर बना देगा और हम अपने हित में फिजाई गलबा हासिल कर सकेंगे और अमन सलामती को यकीनी बना सकेंगे। और कहा कि मुझे बताया गया है कि फ्रांसीसी जुबान में राफेल का मतलब उर्दू में आंधी है। मुझे यकीन है कि यह त्यारा अपने नाम की मुनासबत से इसमें बामुसम्मा साबित होगा। इंडियन वजीर दिफा ने राफेल में सवार होने से पहले शास्त्रा पूजा की रस्म भी अदा की। ये शास्त्रा पूजा दरअसल दशहरा की तकरीबात का एक हिस्सा है। रामचंद्र की रावण पर फतह में हनुमान जी की फौज ने जो हथियार इस्तेमाल किए थे वही लंका ढाने में काम आए थे। इसीलिए भारतीय फौज में हर नए और भारी हथियार को इंडक्ट करने से पहले उसकी पूजा की जाती है। राजनाथ सिंह को विश्वास था कि ये नया हथियार राफेल भी दुश्मनों यानी पाकिस्तान और चीन पर विजय हासिल करने में वैसा ही रोल अदा करेगा जैसा हनुमान ने रावण पर किया था। इस शास्त्रा पूजा के दौरान भारतीय वज़ीर दिफा ने त्यारे के माथे पर ओम की बिंदी भी लगाई। फूलों से त्यारे के अगले हिस्से को लाद दिया गया और एक नारियल तोड़कर उसका पवित्र पानी त्यारे पर छिड़का गया। फिर उस पर भी वास नहीं की गई बल्कि त्यारे की लैंडिंग गियर यानी टायरों में लीमू के ढेर लगा दिए गए। राफेल के रबड़ के कदमों में लीमू निछावर करने की रस्म भी दशहरा की रसूमात का हिस्सा थी। राफेल को तिरंगे यानी भारतीय परचम के साथ उड़ाया गया और पंडितों ने भी इस मौके पर भजन वगैरह भी गाए। जब ये सब कुछ किया जा रहा था तो डिसॉल्ट कंपनी के ऑफिसर्स और सारे तकनीकी माहरीन खड़े बिट बिट देख रहे थे कि ये क्या तमाशा किया जा रहा है। उनका ख्याल था कि ये खड़ाग इंडिया में जाकर भी तो खड़ा किया जा सकता था। त्यारे गैर यानी फ्रांस में ये जग हंसाई क्या जरूरी थी, लेकिन मोदी पहलवान के पट्टू को कौन समझाए कि आज के ग्लोबल दंगल में उतरने के लिए ना किसी पहलवान के माथे पर तिलक लगाया जाता है, ना नारियल तोड़ा जाता है और ना उसके कदमों में लीमू बिछाए जाते हैं। हवातिन हजरात, याद रखिएगा ये 36 त्यारे जब 2022 में भारत पहुंचेंगे तो बेशतर को अंबाला एयरफोर्स बेस पर स्टेशन किया जाएगा जो पाकिस्तान सरहद के नजदीक है। चंद एक को चाइना के बॉर्डर हासी मारा एयरबेस पर रखा जाएगा जो मगरबी बंगाल की रियासत में वाके है। आपको याद होगा कि एक इंडियन एयरफोर्स चीफ ने ये बड़क भी मारी थी कि इंडिया अब पाकिस्तान और चीन दोनों को बैक वक्त काउंटर कर सकता है। पाकिस्तान को काउंटर करने का मुजाहरा तो हमने और पूरी दुनिया ने 27 फरवरी को देख लिया था। अलबत्ता चीन से निमटने की नौबत हनूज बाकी है। चीनी सदर शी जिनपिंग इंडिया का विजिट करने वाले हैं, लेकिन चीनी सदर ने इंडिया का दौरा करने से पहले पाकिस्तान के साथ मिल बैठकर अगला लायहा अमल तय कर लिया है जो कि वक्त आने पर ही पता चलेगा। हवातिन हजरात, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।